माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। पता है बेटी, अल्लाह की रहमत होती है बेटा, इसका बहुत ख्याल रखना। सब खुश तो है ना घर वाले? अम्मी सब बहुत खुश हैं। मुनीब और बाबा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। अम्मी थोड़ी सी खफा हैं, कल रात से पोते पोते की रट लगाई हुई है उन्होंने। कोई बात नहीं, ये प्यारी सी नन्नी सी परी आ गई है ना, तो अल्लाह बेटा भी अता करेंगे। परेशान नहीं हुआ करो, ये जो पॉलिश और बेबी है, ये क्या नाम सोचा है इसका? अभी तो सब लोग अपना अपना नाम दे रहे हैं, अभी देखो क्या रखते हैं। बेटा बच्चा हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसके बाद माँ को अपना ख्याल भी रखना होता है। अब तुम अपना ख्याल भी रखना और अपनी बेटी का भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, जैसे बहू रानी का यहाँ तो कोई ख्याल ही नहीं रखता। बच्ची बड़े अस्पताल में पैदा हुई है, कोई खैराती इदारे में नहीं जो जान के लाले पड़ जाएंगे। और बीबी तुमने किस खुशी में बच्ची को गोद में ले रखा है? एक तो बेटी, ऊपर से तुम्हारे जैसे नसीब हो गए तो अल्लाह ही खैर करे, तुम्हारे तो साय से भी इसे दूर रखना चाहिए। बस कर दे अम्मी, आपने तो बेहिसी की हर हद पार कर दी है। अनाया का साया मेरी बच्ची के लिए रहमत है, जहमत नहीं। चुप कर जाओ, तुमने बेटी पैदा की है, कोई बेटा नहीं जो इतनी तेजी दिखा रही हो। और तुमसे बेटे की क्या उम्मीद रखूं, तुम्हारे घर से तो बेटियों की रीत चली आ रही है। और इसके हाथ से मैंने बच्ची लेने की बात करके कौन सी बेहिसी की बात कर दी? शादी इसकी टूट गई, बच्चे इसके नहीं, बदनामी अलग। ऐसी लड़की को मैं करम जली ना कहूं तो और क्या कहूं? अरे बस कर दे बहन, आप एक माँ और औरत होने के नाते बहुत बड़ी बड़ी बातें कह गई हैं। बेटी अल्लाह की रहमत होती है और अल्लाह की खुशनुदी होती है, आपको भी खुश होना चाहिए। बल्कि इसका नसीब तो ऊपर से लिखा जाता पहले से, कम से कम पोती की खुशी से तो ना महरूम हो। अरे दुनिया में ऐसे भी बहुत से घराने हैं जो इन दोनों खुशियों से महरूम हैं। रहने दे अम्मी, ये बातें इनकी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये खुद एक बेटे की माँ है ना। हाँ हाँ, हूँ मैं बेटे की माँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे बेटे को लंबी उम्र दे। बेटे ही बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा होते हैं, बेटियाँ नहीं। लाओ बीबी दो मुझे। बात नहीं अनाया, बेटा तू परेशान ना हो, खैर तेरी बहन का घर समझ रही है ना मेरी बात? अनाया क्या कहूँ, प्लीज मैं अम्मी के लिए सॉरी करती हूँ, अपना दिल छोटा नहीं करो।